दिनांक 19/7/2024 दिन शुक्रवार को वैश्य समाज उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन मानसरोवर स्कूल नवीन नगर में किया गया। शिविर का शुभारंभ वैश्य समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रीमती सुनीता गुप्ता, जिला अध्यक्ष श्री सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता, जुगनू जादूगर महामंत्री राजीव गुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। ईश्वर से प्रार्थना की गई कि प्रभु सभी समाज को स्वस्थ रखें। शिविर में मैक्स हॉस्पिटल वैशाली गाजियाबाद के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुस्तली, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश, डॉक्टर अरुण, डॉक्टर कार्तिक, डॉक्टर चंदा द्वारा रक्तचाप, बीपी, ब्लड प्रेशर, ईसीजी, बीएमसी आदि की जांच फ्री की गई, जिसमें लगभग 210 रोगियों की जांच फ्री की गई। फ्री जांच शिविर का आयोजन वैश्य समाज उत्तर प्रदेश के सहयोग से किया गया। जांच शिविर में मुख्य रूप से सुनीता गुप्ता, प्रभारी पश्चिमी वैश्य समाज उत्तर प्रदेश, जिला अध्यक्ष श्री सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता, जुगनू जादूगर, जिला महामंत्री राजीव कुमार गुप्ता, महिला संगठन की जिला अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गुप्ता जी, महामंत्री श्रेया गुप्ता, डॉक्टर दीपक राजगर, छवि गुप्ता, किरण, मिताली, अनुभूति, रेणु, शेफाली रस्तोगी, रुचि अग्रवाल, अलका गुप्ता, भावना गुप्ता, शालिनी अग्रवाल, अंकुश, अनुभव, ममता भटनागर, मुस्कान आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राजीव गुप्ता द्वारा किया गया। आयोजन वैश्य समाज उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद द्वारा किया गया। आज ही कैंप लगा गया, आज कैंप के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आज ये जो शिविर लगा है, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ये संदेश है वैश्य समाज उत्तर प्रदेश की ओर से, और हमारे उत्तर प्रदेश पश्चिमी प्रभारी सुनीता गुप्ता जी के माध्यम से, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी और मेरे महामंत्री राजीव गुप्ता जी के माध्यम से, इसमें आज मुख्य तौर से एक तो ऑर्थो हड्डियों की जांच है, मस्तिष्क की न्यूरो सर्जन न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, दूसरी ईसीजी हो रही है, ब्लड शुगर हो रहा है, बीपी की जांच हो रही है, और एक जनरल फिजिशियंस यहाँ बैठे हुए हैं जो हर मर्ज की जाँच करते हैं, और समाज के सभी वर्गों के लिए है ये कैंप, लेकिन लगाया बेस्ट समाज। अब तक कितने पेशेंटों को देखा गया? अब तक कितने पेशेंटों को देखा गया? लगभग इसमें मैं समझता हूँ कि 200 या 250 पेशेंट को आते हैं, और इसके बाद ऑपरेशन किस समय तक ये काम चलेगा? जी किस समय तक चलेगा ये काम? ये काम चलेगा 2 बजे।